नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं टाइप्स ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस इन इंडिया। यानी कि दोस्तों, इंडिया में ड्राइविंग लाइसेंस कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से ड्राइविंग लाइसेंस होते हैं, ये आपको जानना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, काफ़ी सारे लोगों को यही नहीं पता है कि कौन सा ड्राइविंग लाइसेंस किस व्हीकल के लिए ज़रूरी होता है। मतलब कि ट्रांसपोर्ट की व्हीकल चलानी है या हैवी लाइसेंस, हैवी वहाँ पर व्हीकल्स चलानी है तो उनको चलाने के लिए कौन सा ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना पड़ता है, ये दोस्तों आपको जानना जरूरी है। तो इसलिए दोस्तों, इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा कि टाइप्स ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस क्या होता है, यानी कि कितने प्रकार के ड्राइविंग लाइसेंस इंडिया में अभी बन रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको मेनली बताऊंगा, मेनली मतलब मुख्यतः मैं बताऊंगा। ऐसे बहुत सारे ड्राइविंग लाइसेंस हैं दोस्तों, जिनको दोस्तों अब अस्तित्व उनका धीरे धीरे समाप्त होता चला जा रहा है। मेरे कहने का मतलब ये है कि वो ड्राइविंग लाइसेंस अभी इंडिया में दोस्तों यूज़ में नहीं रह गए हैं, तो उन ड्राइविंग लाइसेंस की मैं चर्चा नहीं करूंगा इस वीडियो में। मैं आपको सिंपली वो ड्राइविंग लाइसेंस बताऊंगा जिसकी आपको यूज जिसका आपको यूज है, जिसका आपको वहां पे बनवाने में बनवाएंगे तो जिसका आपको वहां पे काम रहेगा, मैं वो उस ड्राइविंग लाइसेंस को बताऊंगा। मेनली मैं आपको टाइप्स ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस इन इंडिया बताने वाला हूं। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और वहां पे नॉलेजेबल भी होने वाली है। इस वीडियो पे आप बने रहिएगा, शुरू से लेकर पूरा लास्ट तक देखिएगा, बीच में स्किप करके नहीं जाएगा, ताकि आपको वहां पे पूरी जानकारी मिल सके इस वीडियो में। तो चलिए आपको बताते हैं यहां पे, तो यहाँ पे आपको ज़्यादा टाइम न लेते हुए चलिए हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों वहाँ पे, कि यहाँ पे टाइप्स ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस इन इंडिया होते क्या हैं, मतलब कितने प्रकार के आरटीओ में ड्राइविंग लाइसेंस बनाए जाते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टू व्हीलर के लिए, तो टू व्हीलर की हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहले हम विदाउट गियर से, विदाउट गियर माने कि दोस्तों जो मोपेट होती हैं, एक्टिवा है, ये जो स्कूटी के रेंज में दोस्तों होती हैं जिनमें मतलब गियर नहीं लगता है, वो दोस्तों टाइप्स ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस के पहले चरण में हम अब हैं टू व्हीलर के। तो टू व्हीलर में दोस्तों पहले एक MCWOG लाइसेंस बनता है, ये मोटरसाइकिल विदाउट गियर जिसका बोला जाता है, तो MCWOG लाइसेंस पहला बनता है दोस्तों। ये एक टाइप्स होता है ड्राइविंग लाइसेंस का। ये दोस्तों बनाया जाता है किनके लिए, किनके लिए मतलब जो गाड़ियाँ विदाउट गियर पे चलती हैं, यानी कि स्कूटी है, मोपेट है, और जो लूना वगैरह पहले आती थी दोस्तों, हैवी ड्यूटी है, ये सभी दोस्तों MCWOG के अंतर्गत आती हैं। MCWOG भी एक कैटेगरी होती है ड्राइविंग लाइसेंस की, ये एक टाइप हो गया। तो अब हम बात करते हैं टू व्हीलर के गियर वाली की कैटेगरी की, यानी कि जो जो कि होता है MCWG, यानी कि मोटरसाइकिल विथ गियर का। ये दोस्तों गाड़ियाँ जो गाड़ियाँ मोटरसाइकिल जो होती हैं जिनमें गियर होता है, यानी कि जैसे कि आपके स्प्लेंडर है, पैशन है, और जितनी भी गाड़ियाँ आपके वहाँ पे हैं जो गियर पे चलती हैं दोस्तों, जिसमें गियर आपको लगाना पड़ता है, वो सभी गाड़ियों के लिए अधिकृत लाइसेंस MCWG होता है, मोटरसाइकिल विथ गियर का। तो हमने टू व्हीलर में बात कर ली, एक होता है विदाउट गियर का, एक विथ गियर का, तो दो वहाँ पे लाइसेंस बनते हैं, एक MCWOG, एक MCWG। तो हमने टाइप्स ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस के पहले चरण में बात की वहाँ पे टू व्हीलर की, जिसमें दो लाइसेंस बनते हैं, दो टाइप के होते हैं, एक MCWOG, एक MCWG। अब हम टू व्हीलर से स्विच करके फोर व्हीलर पे आते हैं। फोर व्हीलर में मैं आपको बात करूं तो सबसे पहला कैटेगरी की हम बात कर लेते हैं दोस्तों, जिसमें LMV NT कैटेगरी की आती है बात, तो इसका एक लाइसेंस ये बनता है। टाइप्स ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस में LMV के कैटेगरी में LMV NT होता है। LMV NT क्या होता है? LMV NT दोस्तों ऐसा ड्राइविंग लाइसेंस होता है जो नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल के लिए बनाया जाता है। सपोज दैट आप पर्सनल यूज के लिए कोई गाड़ी इस्तेमाल करते हो, वो स्कॉर्पियो भी हो सकती हो, बोलेरो भी हो सकती है, वो वहाँ पे कार हो सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो पर्सनल यूज के लिए आती हैं, वो ड्राइविंग लाइसेंस उसका LMV NT बनता है, लाइट मोटर व्हीकल नॉन ट्रांसपोर्ट, जिसका फुल फॉर्म LMV NT का फुल फॉर्म होता है। तो पहली तो फोर व्हीलर में एक कैटेगरी ये होती है LMV NT। दूसरी वहाँ पे टाइप्स ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस में हम सेकेंड चरण में पहुँच चुके हैं, जिसमें फोर व्हीलर पे बात कर रहे हैं, तो उसमें दूसरा पार्ट ये होता है LMV T, यानी कि लाइट मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स। लाइट मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्ट की अगर हम बात कर रहे हैं तो ट्रांसपोर्ट में दोस्तों कार है और मिनी बसें हैं, ये दोस्तों जैसे कि, और वहाँ पे येलो नंबर प्लेटेड जो व्हीकल होती हैं जो कमर्शियल यूज में आती हैं, उनको दोस्तों वहाँ पे ऑपरेट करने के लिए आपका जो लाइसेंस बनता है वो टाइप्स ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस के अंतर्गत LMV T होता है दोस्तों, ट्रांस जिसको बोला जाता है LMV TR। देन उसके बाद LMV होता है, LMV खुद का भी एक लाइसेंस होता है जो बेसिकली बनाया जाता है कार, जीप, बस, मिनी बस को चलाने के लिए दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों जो मैं आपको बता दूँ तो LMV जो लाइसेंस होता है ये भी एक टाइप्स ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस होता है, इसके अंतर्गत तीन सब पार्ट आते हैं LMV के। तो अब यहाँ पे गौर करने वाली बात ये है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने दोस्तों फिलहाल अभी दोस्तों ये बोला है कि वहाँ पे अब दोस्तों आपको डिफरेंट वहाँ पे लाइसेंस नहीं बनवाने हैं LMV के अंतर्गत, सिर्फ आप
आपको सिर्फ एक LMB ड्राइविंग लाइसेंस ही बनवाना है, उसी से आप वहाँ पे ड्राइव कर सकते हैं। LMB की और जितनी कैटेगरीज होती हैं, तो आपको अलग से एंडोर्समेंट करवाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों ये लाइसेंस अभी भी हैं, बनते हैं, इसलिए मैंने दोस्तों ये टाइप्स ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस के अंतर्गत आते हैं, इसके अंतर्गत हैं, इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो हमने बात कर ली दोस्तों फर्स्ट स्टेप में टू व्हीलर के लिए, सेकंड स्टेप में हमने फोर व्हीलर की बात कर ली। अब हम दोस्तों हैवी के तरफ स्विच करते हैं। तो हैवी में दोस्तों हैवी लाइसेंस जो टाइप्स ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस होता है उसके हम थर्ड स्टेज पे हैं। थर्ड स्टेज में दोस्तों HMV होता है। HMV का मतलब होता है हैवी मोटर व्हीकल। तो हैवी मोटर व्हीकल के अंतर्गत तीन वहाँ पे सब इसके पार्ट होते हैं। तो तीन सब पार्ट कौन कौन से हैं, एक तो पहला होता है HPMV यानी कि हैवी पैसेंजर मोटर व्हीकल, दूसरा होता है HGMV हैवी गुड्स मोटर व्हीकल, और तीसरा होता है HTV हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स। तो ये तीन ड्राइविंग लाइसेंस सब पार्ट होते हैं टाइप्स ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस। दो थर्ड स्टेप है वो HMB है। HMB के अंतर्गत तीन सब पार्ट होते हैं, ये तीन ड्राइविंग लाइसेंस बनते हैं। तो ये आपको जानना बहुत जरूरी होता है। HMB दोस्तों हैवी पैसेंजर व्हीकल्स बनती हैं, जो गवर्नमेंट की बसें चलती हैं, वोल्वो की बसेस है और जनरल वगैरह जो बसेस चलती हैं, बड़ी बसेस जो वन स्टेट टू अनदर स्टेट ट्रैवल करती हैं, वो सभी गाड़ियाँ दोस्तों HPMB की कैटेगरी में आती हैं। फिर उसके बाद हम बात कर लेते हैं दोस्तों HGMB की। तो HGMB हैवी गुड्स मोटर व्हीकल, जो इसमें दोस्तों वन स्टेट टू अदर स्टेट गुड्स यानी कि प्रोडक्ट को, सामान कुछ वहाँ पे कैरीज वगैरह जो होती हैं दोस्तों, उनको एक स्टेट से दूसरे स्टेट जब ट्रेवल करते हैं तो इस स्टेज में दोस्तों HGMB ड्राइविंग लाइसेंस बनता है। तो ये भी एक पार्ट है। और उसके बाद हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स होती हैं, HTV लाइसेंस भी बनता है। ये ट्रांसपोर्ट व्हीकल जो होती हैं दोस्तों, उनको वन स्टेट टू अदर स्टेट ट्रेवल करती हैं, उनके लिए दोस्तों बनाया जाता है। तो ये दोस्तों टाइप्स ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस इन इंडिया। मैंने आपको मेनली ड्राइविंग लाइसेंस, मुख्यतः कितने प्रकार के ड्राइविंग लाइसेंस इंडिया में बन रहे हैं वो मैंने आपको बता दिया डिटेल में। अभी भी आपको उनमें कोई भी डाउट हो तो आप इस वीडियो के नीचे जाइए, कमेंट करिए, मैं उसको आंसर लिखने जरूर दूंगा। और वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो में कुछ सीखने को मिला हो, तो वीडियो को प्लीज लाइक आप कर सकते हो, शेयर, इस वीडियो को शेयर आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक करिएगा, ताकि सब लोगों को पता चल जाए कि यहाँ पे कि मेनली ड्राइविंग लाइसेंस, टाइप्स ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस कितने होते हैं यहाँ पे इंडिया में। अब मैं मिलता हूँ दोस्तों अगली वीडियो में नए टॉपिक को लेकर। लेकिन दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ यार इस चैनल को सब्सक्राइब आप कर सकते हो, क्योंकि मैं ऐसे ही रोजाना नॉलेजबल और इंटरेस्टिंग वीडियो डेली चैनल पर लेकर आता रहता हूँ। अब मैं मिलता हूँ दोस्तों अगली वीडियो में नए टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।